हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक बहुत ही शानदार रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ, केक की रेसिपी। तो इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है और इसमें मैंने गेहूं का आटा यूज़ करा है, जो कि इस रेसिपी को बहुत ही हेल्दी बनाता है। तो आप रेसिपी देखिए और इसे ट्राई करिए ज़रूर, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम केक बनाना। ये मैंने चीनी ली है पिसी हुई 100 ग्राम, और ये मैंने तेल डाला है रिफाइंड ऑयल 100 ml। तो आप बटर आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। चीनी को पीस के डाल सकते हैं मिक्सर में पीस के। 3 मिनट के लिए इसे हम विस्क करेंगे, जब तक कि इसमें क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, जो केक में स्मूदनेस होती है, टेंडरनेस, वो इसी वजह से आती है जब आप इसे अच्छे से शॉर्टन करेंगे, क्रीम करेंगे। ये मैंने छाछ डाली है, 1 कप बटर मिल्क मिक्स कर लिया है उसे। आइए डालते हैं इसमें अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये गेहूं का आटा है, इसे पहले छान लें, उसके बाद ही इसमें ऐड करें। 180 ग्राम मैंने आटा लिया है, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें बाद में ही डालने हैं। दालचीनी पाउडर मैंने डाला है 2 चम्मच, तो ये सिनेमन वनीला केक बहुत ही डिफरेंट है। नमक 1/2 चम्मच डाला है, बहुत मज़ा आएगा सच में इसे चाय के साथ शाम के टाइम पे, या नाश्ते में आप खा सकते हैं। अच्छे से इन्हें मैंने कंबाइन कर लिया है, आइए इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कमेंट करके मुझे बताइएगा, घर पे ट्राई करिएगा ये बनाने का। अब इसमें हम दूध डालेंगे, हल्का हल्का दूध डालना है, जो इसका बैटर है वो हमें ध्यान रखना है। अगर ये ज़्यादा गीला हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो आपका केक फूलेगा नहीं। अच्छे से जब तक ये स्मूद हो जाए तब तक चलाना है। ये डालते हैं हम वनीला एसेंस 2 चम्मच। वनीला एसेंस से तो जो इसमें अरोमा आता है केक में, वो उसमें बहुत मज़ा आता है सच में। वनीला एसेंस तो आपको यूज़ करना ही है। ये 15 रुपये की शीशी आती है छोटी सी वनीला एसेंस की, बहुत सस्ता मिल जाता है। तो ये मैंने लिया है फाइनली टिन लिया है, केक का टिन, और ये बटर पेपर। बटर पेपर और टिन को हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए ग्रीस कर लिया है पेपर को। टिन के जो साइड में हम ग्रीस कर लेंगे हल्का सा ऑयल लगा के। तो जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हम डालते हैं, वो इसमें इस केक में CO2 रिलीज़ करते हैं, जिससे कि केक फूलता है। अच्छे से टैप कर लेंगे हम, टिन में डाल लिया है। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 कप करीब नमक डाला था, और आप देख सकते हैं इसे प्री हीट करना है हमें 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये बीच में एक कटोरी रखी थी, उसके बीच में मैंने टिन रख दिया है, केक का टिन, और इसे हम कवर कर लेंगे अच्छे से टाइट से, लिड या कुछ भी, कोई सा भी बर्तन लगा के, जिससे कि ये अच्छे से कवर हो जाए। तो इसे हमें लो फ्लेम पे हमें बेक करना है 50 मिनट के लिए, और हम चेक कर सकते हैं टूथपिक की हेल्प से, जब तक ये वो क्लीन होके बाहर ना निकले। अगर टूथपिक पे आपको लगता है कि छूटा हुआ है, कि गीला गीला है, कुछ जमा हुआ लगता है, तो इसका मतलब वो बेक नहीं हुआ है। बट ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, इसे ठंडा होने रख देंगे हम। ओवन में भी आप बना सकते हैं, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है रेसिपी में, आप रेसिपी को फॉलो करिएगा। ये केक मैंने रख दिया है, आइए ऊपर से डालते हैं हम। स्प्रिंकल करेंगे पाउडर्ड शुगर और सिनेमन पाउडर उसके बाद। तो ये पाउडर्ड शुगर और सिनेमन पाउडर जब हम ऊपर से टॉप करेंगे, उसके बाद जब हम केक को कट करके खाएंगे, तो सच में एक अलग सा ये टेक्सचर देता है, बहुत मज़ा आता है जब हम बाइट लेंगे केक की। तो गाइस रेडी है हमारा सिनेमन वनीला केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।